कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अभी चल रहा है। दो दो गाइस, ये था रिप्सन का टी म्यूजियम प्लांट म्यूजियम, इसके अंदर प्लांटेशन वगैरह पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। गाइज अभी हम आए हैं रिप्पल टी गार्डन, जो है ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ये म्यूजियम है ये उसका। बाकी इसके बाहर का चारों तरफ का नजारा देखो, ऐसा नजारा बहुत सॉलिड है, चारों तरफ बगानी बगान मिल रहे हैं। बाकी जो इसका शायद चार्ज वगैरह भी है इसका 125 रुपीज, ये इसका चार्ज है भाई साहब। 125 रुपये की एंट्री है पर पर्सन की, और ये सब देखो ओरिजिनल है, ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सब ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। ये खान वाल सब ओरिजिनल है भाई साहब, बारह सौ का। इसकी आंख नाक वाक सब निकाल रखी है, कोई इतना बड़ा भी रहता है। बाकी ये इसकी हिस्ट्री है पूरी। तो भाई जब टी म्यूजियम है ना, टी म्यूजियम जो है ये टाटा वालों ने देश की आज़ादी से पहले यहाँ सब ब्रिटिशियन का राज था, तो उन्होंने किस तरह से इसको मतलब बनाया था, और फिर काफ़ी कुछ वगैरह मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह प्लांट उन्होंने ही लगाए थे, तो उस सब की पूरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो इसके अंदर चल रही है अभी, और वही आपको दिखाई जाती है। आधे घंटे के आसपास की है पूरी कंप्लीट। ये कुछ मशीनें हैं जिनसे तैयार होती है, 105 वाली मशीन है, इंडक्टर मोटर टी म्यूजियम ऑल अबाउट टी, हिस्ट्री ऑफ टाइप्स ऑफ टी। इसमें पूरा जैसे चाय की पत्ती लगा के निकाल दिया ना, उसमें साइकिल वर्क करके पूरा प्रोसेस से वो जाते हैं चाय की पत्ती। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश आनिया दिल्ली, ये सब आपका मेलों के टाइम का नार उनार। ये कुछ फ्लड्स कैसी हैं, उस टाइम कुछ फ्लड आया था, ये 1924 में आया था। अंग्रेजों के टाइम के सेल फोन रखे हैं, फोन बाकी जैसे ये गेम हो रहा है ना, इसकी पूरी हिस्ट्री की एक पूरी फुल डॉक्यूमेंट्री है जो ये आधे घंटे की फिल्म दिखाते हैं, ऑलमोस्ट आधे घंटे के आसपास है। ये टी प्लांटेशन है पूरा, जो टी प्लांटेशन पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है ना वही है देखो। चाय की पत्ती को वहाँ से तोड़ कर जैसे लेकर आते हैं, तो उसके बाद में जितना भी पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल से लेके और फिनिशिंग वर्क्स तक। इंग्लिश हिंदी ओके ओके कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अभी चल रहा है। ब्लैक टी है तो पहले निकला तो ग्रीन टी है। अच्छा, इसको अभी यूज़ कर सकते हैं या नहीं? इसके बाद
पे गर्म हवा से काला कलर होता है, लाइक करता है। इसको सुखाने के बाद फिर ब्रेड भी तैयार हो जाती है। अभी जैसे इसको लेके जाएंगे तो सुखाकर बोल दिया जो ना रिपल टी का प्लांट है पूरा रिपल टी, और उसी तरीके से यहाँ पे टाटा वालों का भी है। ये था रिपल टी कंपनी का बहुत पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और यहाँ टी वगैरह भी आप आके परचेज कर सकते हैं। बाकी टी का अगर टेस्ट करना है तो जिंजर टी, लेमन टी, मतलब बहुत सारी वैरायटी है यहाँ इसके अंदर में। और आपका मतलब 25-25 से 30 रुपये की यहाँ से स्टार्टिंग, मतलब एक कप चाय का 25-30 रुपये का है ये। बाकी आप इस प्लांट में आके इसको जरूर विजिट करना, इसकी जो टिकट प्राइस है 125 रुपीज़ है। गाइस ये था रिपल का टी म्यूजियम प्लांट म्यूजियम, इसके अंदर प्लांटेशन वगैरह पूरा कंप्लीट प्रोसीजर मैं दिखा दिया है वीडियो में। ये अभी ये थोड़ा सा व्यू और इधर का बचा ही है, अभी वहाँ भी जाएंगे। और आपको एक बहुत प्यारा झंडा, छोटा सा झंडा है वो आपको दिखाते हैं, ये देखो वहाँ भी पाइप लगाई हुई है। बाकी चाय की पत्ती में जाना, जिस चाय की पत्ती का ये जो अंदर वाला है इसका प्रोसीजर अलग होता है, पत्तियों का अलग होता है, डंडियों का अलग होता है। ये झूला है ना हिल रहा है, ये लो यार, इसको मिस मत कर, पूरा कंप्लीट देखना देखना, चारों तरफ कितने प्यारे प्यारे बाग बगीचे हैं। फॉरेनर्स भी, मैंने इनसे बात की थी कहाँ से है तो फ्रेंच बता। तो गाइस ये था व्लॉग, अभी बस एक वो लास्ट जो है आपको ये व्यू दिख रहा है ना, एक फोटो वहाँ और जाके क्लिक करवाना है अभी। MGR सेंट्रल चेन्नई, मैंने कल रात कोची से ट्रेन पकड़ी थी 10 बजे और मैं आज सुबह 10 बजे पहुंच चुका हूं यहां पर, ठीक। तो बाकी आज ये ब्लॉग मैं पूरा कंप्लीट करता हूं, मतलब आपको ये नई ट्रैवलिंग होगी तो ही ब्लॉग वगैरह आएगा उसके बाद में। तो यहां से बस पकड़ के ना दूसरी तरफ, यहाँ का जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है ना, दूसरा बस स्टैंड।